जो माटी की सौंधी खुशबू नीम और पीपल की छांव में है, वह देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। लेकिन आज के दौर में लोग बेतहाशा गांव से शहरों की तरफ भागे चले आ रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों ने इस कदर मजबूर किया है कि शहर की तरफ आती रेलगाड़ियां खचाखच भरी दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी बात जीवन की खुशहाली की होती है तो लोग गांव को ही याद करते हैं। वैसे ही खुशहाल जीवन को याद दिलाता है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के विकासखंड भुता के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मलपुर। ये ग्राम पंचायत खुशहाली की एक मिसाल पेश करती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ब्लॉक भुता की ग्राम पंचायत मलपुर में जब हमारी एबीपी 9 न्यूज़ की टीम ने दौरा किया तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए 5 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को 100% सही बताया और ग्रामीणों ने प्रधान के कार्यों की प्रशंसा की। गांव में सरकारी स्कूल की बाउंड्री निर्माण हो, स्कूल का कायाकल्प हो, गांव में गरीब परिवारों को शौचालय व्यवस्था व सीसी रोड निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय, खंभों पर स्ट्रीट लाइट, सरकारी हैंडपंप नाली निर्माण और गरीबों के लिए राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना का लाभ दिलाया गया है। वहीं कोरोना काल में गरीब लोगों को अनाज, भोजन आदि देकर उनकी मदद की। ग्रामीणों ने प्रधान के कार्यों की बहुत प्रशंसा की तथा संतोष जाहिर किया। ग्राम प्रधान मोहम्मद नाजिर ने बताया कि 5 साल के कार्यकाल में जो कार्य रह गए हैं, वह अगर जनता ने उन्हें अगली बार प्रधान बनने का मौका दिया तो वह भी पूरे कर देंगे। आइए जानते हैं हमारी एबीपी 9 न्यूज टीम के माध्यम से क्या कुछ कहा ग्रामीणों व प्राइमरी स्कूल के अध्यापक एवं ग्राम प्रधान। क्या नाम है आपका? तुषार। आप जो ये ग्राम पंचायत मलपुर है जी, इसके ग्राम प्रधान के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ग्राम प्रधान बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी विकास कराया है, अच्छे काम कराए हैं, और हमें क्या चाहिए, आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? आगे उम्मीदें काम कराएंगे और लोगों, गरीब आदमी की जनता है जो भी, उसकी सभी सुविधा दे हैं। कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम कराया। इससे पहले किसी प्रधान ने इतना काम नहीं कराया जो हमारे इन प्रधान ने वर्तमान में कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली है। ये ग्राम पंचायत जो मलपुर है, इसके विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका विकास बहुत बेहतर तरीके से कराया है प्रधान जी ने, और इससे पहले जो प्रधान थे 25 सालों से हम देख रहे हैं, बचपन हमारा यहीं गुजर गया, किसी ने कुछ भी नहीं कराया। जो भी पैसा सरकार ने दिया है किसी ने अपने घर में रख लिया, किसी ने कहीं कुछ कराया, मगर गांव में कुछ भी नहीं कराया। आगे क्या मतलब अपेक्षाएँ आपकी ग्राम प्रधान? अभी तो उनने इतना काम कराया, इससे भी बेहतर वो काम कराएंगे। हमें तो ऐसा ही प्रधान चाहिए। सर क्या नाम है आपका और इस स्कूल में आप पे कौन सा पद है और क्या कहेंगे सर इस विकास कार्य के बारे में, यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह लगी हैं? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं सहायक अध्यापक हूँ इस स्कूल में। हमारे हेड मास्टर साहब का नाम श्री रामचंद्र जी हैं और स्कूल में विकास हुआ है। वर्तमान प्रधान जी ने यहाँ काम कराया, काफ़ी कुछ काम कराया है, क्योंकि हम लोग जो आए हैं वो वर्तमान प्रधान जी के ही समय काल में आए हुए हैं। तो प्रधान जी ने ऑफिस में 2 कमरों में और इसमें बरामदे में टाइल्स वगैरह लगवाई है। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बढ़िया हुई है पहले से, और बाकी सब में फर्श भी कराया है प्रधान जी ने। कुछ कमरों में टाइल्स लगने को रह गई है, तो संभावना है कि आने वाले समय में वो टाइल्स भी लग जाएगी। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, ये जो काम हुआ है कोई समस्या वगैरह तो नहीं है आपको यहाँ पर? फिलहाल कोई समस्या नहीं, इतनी बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे समय, साफ सफाई का माहौल वगैरह का, साफ सफाई हमारे यहाँ बढ़िया रहती है। हम रोज ही रोज साफ सफाई रखवाते हैं यहाँ, और हमने अपना स्वीपर अलग से भी लगवा रखे हैं, वो सुबह ही साफ सफाई करने के लिए आते हैं। हर रोज की हमारी दैनिक प्रक्रिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर जी, ग्राम प्रधान मलपुर। प्रधान जी, क्या क्या कार्य कराए हैं आपने? मैंने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत में सीसी रोड, खड़ंजे, पंचायत घर में अच्छा कार्य कराया है, वाईफाई का भी कनेक्शन कराया है, स्कूल में टाइल्स, रोड इंटरलॉकिंग। इससे पूर्व में हमारे यहाँ की स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर जब देखा तो शिक्षा की व्यवस्था जहाँ जिस ग्राम पंचायत की अच्छी नहीं है तो उस ग्राम पंचायत को
अच्छा नहीं कह सकते। मैंने सबसे पहले अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था की सही कराई और वहां का रख रखाव और जो वहां का विकास है, जैसे कि टाइल्स स्कूल में मैंने लगवाई, फर्नीचर की व्यवस्था कराई, ये सारे कार्य मैंने कराए हैं अपने कार्यकाल में। प्रधान जी, आपने अभी शिक्षा की बात की और अभी टेक्नोलॉजी की बात की, वाईफाई आप लगवा रहे हैं, इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी में करना चाहेंगे आगे? मैंने भविष्य में सोचा है कि ग्राम पंचायत में जैसे कि कैमरा है, कैमरे लगवाए जाएं, इससे जो है जो क्राइम गांव में आजकल हो रहा है इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे लोग जागरूक होंगे, जागरूकता बढ़ेगी और क्राइम पे सबसे ज़्यादा मेन जो है वो क्राइम पे है मेरा फोकस पूरा जो है गांव में है, ग्रामीणों को जो आजकल सर्दी का मौसम आ रहा है इसमें चोरी है, डकैती है, लूट है, बाकी और महिलाएं हमारी शौच के लिए जाती हैं, इस तरह से रेप बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जहां तहां गांव में, उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा तो आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि पूरे गाँव के अंदर मैं जो है कैमरे की व्यवस्था कराऊँगा। मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात कर भी रखी है और भी मैं बात बैठ के करूँगा इसमें विस्तार से। सबसे पहले अब मैं गांव में कैमरे लगवाने की व्यवस्था करूँगा ताकि इस पर जो है क्राइम पे अंकुश लगाया जा सके। जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, सामाजिक कार्यों में पेंशने वगैरह का क्या हाल है आपकी ग्राम पंचायत? पेंशने हमारे ग्राम पंचायत में देखिए काफ़ी बड़े स्तर पे हमने अपने ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जो पेंशनें चल रही हैं उनके ऊपर हमने काफ़ी ध्यान दिया है और पेंशनें लोगों को लगातार मिल रही हैं। आवास योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवास योजना देखिए सरकार जो है, सरकार की नीति जो है वो हमारी सही है। अभी हमारे यहाँ जो है वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है तो उनकी नीति के हिसाब से ही, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और उसके हिसाब से ही सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जिस तरह से पैसा भेजेगी उसी हिसाब से आवास की कराई जाएगी। हमारे आपसे गांव में ज़्यादातर गौ तस्करी के मामले आते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ गौ तस्करी का मामला आते रहते थे लेकिन अभी हमारे जो क्षेत्र के थाना अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके इस पे काफ़ी अंकुश लगाया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अभी पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। कैमरे लगने के बाद इस पे गौ तस्करी के बारे में भी, गौ तस्करी पे भी काफ़ी अंकुश लगेगा। कैमरे लगाने के बाद अंकुश लग सकता है जी, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और ग्रामीणों को इसका लाभ भी मिलेगा।